एक दुखद खबर सामने आई है। एक मां और उसकी तीन बेटियों की दर्दनाक मौत हो गई है। मामला रियासी जिले की तहसील चसाना के माजरा कुंड पंचायत का है। यहां पर मलबा एक कच्चे मकान पर गिरता है और रात को मां और उसकी तीन बेटियां उस मलबे की चपेट में आ जाती है और उनकी ऑन स्पॉट मौत हो जाती है। इसके साथ ही सास ससुर भी घर में होते हैं, लेकिन वो किसी तरह से अपनी जान बचा देते हैं। माइनर इंजरीज उन्हें भी होती हैं, लेकिन उनकी जान बच जाती है। तो बड़ी दुर्घटना जो है ये रियासी जिले की तहसील चसाना के मांजरा कुंड से ये इंसिडेंट सामने आ रहा है। यहाँ पर शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को, बीती रात को एक कच्चे मकान पर मलबा गिर जाता है, जिसके बाद एक माँ और उसकी तीन बच्चियां जो कि 4 महीने 2 महीने और माफ करिएगा 4 साल 2 साल और 1 महीने की उसकी तीन बच्चियां थी, उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। माँ और उसकी तीन बेटियों की दर्दनाक मौत हो जाती है। बुरी खबर जो कि तहसील चसाना से सामने आ रही है। मृतकों की पहचान आपको बता दें कि जो माँ है उनकी पहचान फुल्ला अख्तर, आयु करीब 25-26 वर्ष, बाइफाप मोहम्मद फरीद, और इनकी जो तीन बेटियां हैं नसरीन कोसर 4 साल, सफरीन कोसर 2 साल, अमरीन कोसर करीब 1.5 महीने की ये बच्ची है। तीन बेटियों और उनकी माँ की दर्दनाक मौत जो है वो कच्चे मकान में मलबा गिरने से हो जाती है। आपको बता दें कि इस मकान के ऊपर जो है कुंदरदान से ममन कोट जो PMGSY का सड़क बन रही है वो गुजर रही थी, और वहीं से जो मलबा है पहाड़ से और उक्त सड़क का जो मलबा है वो इनके कच्चे मकान पर बीती रात को गिर जाता है। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को करीब 12 बजे की ये घटना बताई जा रही है, और अंदर कुल 6 लोग सोए हुए थे। माँ और उसकी तीन बेटियां और सास ससुर सोए हुए थे। माँ और तीन बेटियां इस मलबे की चपेट में आ जाती हैं और पूरी तरह से जो इनका कच्चा मकान है वो ध्वस्त हो जाता है, और जो भी अंदर सामान पड़ा था वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, और 4 लोगों की इसमें मौत हो जाती है। माँ और उसकी तीन बेटियों की दर्दनाक मौत ऑन द स्पॉट हो जाती है। सास ससुर जो थे वो किसी तरह से बाहर निकल कर अपनी जान बचा देते हैं। तो ये एक बुरी खबर जो है वो तहसील चसाना के मांजरा कुंड पंचायत से सामने आ रही है। कुंदरदान के ये पास मांजरा कुंड जो पंचायत है वहां से सामने आ रही है। यहाँ पर एक कच्चे मकान में पहाड़ से मलबा गिर जाता है और इस हादसे में माँ और उसकी तीन बच्चियों की दर्दनाक मौत हो जाती है। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक लोग और पुलिस के लोग वहां पे पहुंचते हैं और शव को बाहर निकाला जाता है। फिलहाल शव जो है, जो जानकारी मिली है, वो पास में ही कहीं पर किसी के घर पे रखे गए हैं, रिश्तेदार के घर के पास रखे गए हैं। और सास ससुर जो है, हालांकि उन्हें थोड़ी सी इंजरी तो हुई है लेकिन वो सुरक्षित हैं, हॉस्पिटलाइज उन्हें अभी नहीं किया गया है। तो बुरी खबर जो है तहसील चसाना के मांजरा कुंड से सामने आई है। घर पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है, जो भी अंदर सामान था वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। कुछ तस्वीरें जो हैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, उक्त घर की तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो तस्वीरें हैं जो चसाना तहसील में मांजरा कुंड में जो मलबा गिरने से कच्चा मकान पूरी तरह से जो ढहा है उसकी ये तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं। तो बुरी खबर जो है वो तहसील चसाना के मांजरा कुंड से सामने आई है। यहाँ पर 4 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 3 बच्चियां थी, 1 4 साल की बच्ची थी, 1 2 साल की बच्ची थी, 1 1.5 महीने की बच्ची थी, और उनकी माँ जो है, जिनका नाम जो है फुल्ला अख्तर बताया जा रहा है, उनकी मौत हो गई है। और सास ससुर जो इंजर्ड हुए हैं उनका नाम आपको बता दें, कालू, इनकी एज जो है वो करीब 55 वर्ष होगी, मांजरा कुंड उसी घर में ये रहते थे, और हाजरा बेगम, वाइफ ऑफ कालू, इनकी आयु जो है करीब 46-47 वर्ष होगी, ये दोनों भी उसी घर में मौजूद थे। लेकिन उस समय आपको बता दें कि जब ये मलबा जो है घर पर गिरा, ये दोनों बाहर आ गए और किसी तरह से इन्होंने अपनी जान बचा दी। तो बड़ी खबर ये, जिसमें माँ और उसकी तीन बेटियों की दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस हालांकि वहां पर पहुंचकर जो
मुआयना जो है नुकसान का वो भी कर रही है और पूरी पड़ताल जो है इस मामले की कर रही है। कुछ वीडियोस भी जो है वो सामने आए हैं, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो वहां से सामने आए हैं, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो इलाका है, बर्फ भी इस इलाके में पड़ी हुई है। बर्फ भी इस इलाके में पड़ी हुई है। कच्चा मकान था, ऊपर सड़क भी थी, उसका मलबा और पहाड़ का मलबा जो है वो नीचे इनके मकान पर गिरा, कच्चे मकान पर गिरा और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त इनका मकान जो है वो ढह गया, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। और अंदर कुल 6 लोग जो सो रहे थे, जिसमें सास ससुर, माँ और उसकी 3 बेटियां थी। माँ और 3 बेटियों की दर्दनाक मौत इस घटना में।